रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रसगुल्ला भंडार में छापेमारी की। मामला शहर की नई बस्ती का है, जहां रसगुल्ला भंडार बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करी है। मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए हैं और जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से रसगुल्ला भंडार संचालक को नोटिस भी जारी किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि लैब से रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी भी कीमत पर यहां पर मिलावट की जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, इस समय सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे में होली का त्यौहार नजदीक और जो मिलावटखोर हैं वो मिलावट को अंजाम देते हैं। खोए की बात की जाए, दूध की बात की जाए, पनीर की बात की जाए, हर चीज में मिलावट की जाती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सीएम फ्लाइंग की टीम आजकल लगातार छापेमारी कर रही है। सर, ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले जा रहे हो और काफी लोगों केस भी दर्ज कराए गए पूरे अभी तक। सर, उस रिपोर्ट देख के आपको बताया जाएगा, काफी सैंपल ले जा रहे हैं और जो भी मिलावट हो रही है सख्त कार्रवाई हो रही है। सर, पनीर भी, बल्कि घी और पनीर के लिए सर, हमने घी और पनीर के लिए सर स्पेशल रेट चलाई है हमने, और जिनका भी घी या पनीर खराब आया तो उन पे हमने केस दर्ज कराया। और आगे ग्राउंड पे तो दिखाई दी नहीं सर, पूरा हम जो है पूरी सख्ती बरत रहे हैं। लगता नहीं गुपचुप तरीके से सब कुछ चल रहा है सर? नहीं सर, पूरी सख्ती बरती जा रही और आगे भी सख्ती रखी जाएगी एक्ट के हिसाब से होगा।